आज तक आपा पढ़दे सुनदे आए हां के महाराजा रणजीत सिंह जी दिल दा दौरा पैण करके अकाल चलाना कर गए सन, पर असल विच उन्हां दी मौत कुदरती नहीं सी। एक पूरी सोची समझी साजिश दे तहत उन्हां नूं कतल कीता गया सी। ते इस कतल दी साजिश पंजाब तो मीला दूर एक परिवार ने विदेशी धरती ते बह के कड़ी सी। मैं इस विषय बारे उदो सोचना शुरू कीता जदों कुछ समय पहला कौम दे चोटी दे इतिहासकार डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके ने इस विषय नूं सांझा कीता। सच दसां तां उस तों पहला मैं इस बारे कुछ भी नहीं सा जानदा। इस दौरान उन्हां ने एक किताब दा भी जिक्र कीता सी, अमर कहानी वैज्ञानिक ज्ञान सिंह जी, जो ऑनलाइन ते ऑफलाइन कई लाइब्रेरियां फरोलन तों बाद बड़ी औखी मिली। सो अज दा इह वीडियो इसे किताब ते ते दो होर किताबां ते आधारित है। शेरे पंजाब अंत दे उठदे सवाल बाय प्रोफेसर जेएस पन्नू अते हंजुआ भरी कहानी बाय सरदार राम सिंह रोपड़। ते सारे मामले नु समझण लई आओ आप अपनी सुरत नु दूर समुद्रों पार यूरोप दी धरती वल लै चलिए। उत्थों दे एक साधारण यहूदी परिवार ने अत दर्जे दी गरीबी तो उपर उठ के कुछ सालां विच ही शाहूकारी विच एक चंगा वड्डा व्यापार स्थापित कर लिया सी। इस परिवार दा नाम सी रॉथचाइल्ड फैमिली। इस यहूदी शाहूकार परिवार ने एक बड़ा वड्डा टीचा मिथ्या होया सी ते साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके नाल यूरोप दे आर्थिक स्रोतां ते काबज होया जावे, क्योंकि धार्मिक राजनीतिक या समाजिक हर तरह दी गुलामी तो आजाद होया जा सकता है, पर जदों कोई कौम कोई मुल्क आर्थिक तौर ते जकड़ लिया जावे ता फिर उसका छुटना बहुत बहुत औखा हो जाता है। आम ते छोटे लोकां नूं कर्जा देण तो शुरू हो के वड्डे व्यापारियां ते वड्डियां कंपनियां तक ते फिर उस तो बाद जंगां दे समय सरकारां नूं भारी व्याज ते कर्जे दे के इन्हां ने छेती ही पूरे यूरोप नूं आर्थिक रूप नाल जकड़ लिया ते कर्जे दे भार थले नप के मुल्कां नूं अपना गुलाम बना लिया। फिर भावें अपने मनसूबियां नूं सिद्धा करन लई इन्हां नूं अणगिणत वार तख्ते पलट दंगे फसाद बगावतां कतलेआम ते वड्डियां वड्डियां जंगां ही क्यों ना करौणियां पईआं होण, जिन्हां दौरान हजारां लखां लोकां नूं अपनियां जानां तों हथ धोणे पए ते पूरे यूरोप नूं अपनी मुट्ठी विच करन तों बाद वी जदों रॉथचाइल्ड फैमिली दी भुख शांत ना होई तां फिर उन्हां ने पूरे संसार नूं अपने अधीन करन दा टीचा मिथ लिया ते इस तों बाद हौली हौली इह परिवार पूरे संसार विच फैलना शुरू हो गया। हौली हौली इन्हां ने दुनिया भर दे ऑयल रिजर्व सोने दिया खदाना इत्थों तक कि नहरां दरियावां दे पानी दे बहाव नूं भी अपने अधीन कर लिया। अपनी इसी मुहिम दे तहत जदों नवे मौके लभण दी तलाश विच रॉथचाइल्ड फैमिली दा एक मेंबर जदों भारत आया तां इत्थों दे कुदरती सोमे ते माला माल राजे महाराजां दे दरबार वेख के उस दीआं अखां अड्डियां दीआं अड्डियां रह गईआं ते जदों उसने वापस जाके भारत दे हाल सुनाए तां लालच दे पट्टे रॉथचाइल्ड परिवार तों रिहा ना गया। उन्हां रातों रात अपनी कंपनी दे 200 तों वध चोणवे व्यापारी ते गुलामां दी एक वड्डी पलटन नूं भारत भेज दित्ता। इस कंपनी नूं अज आपां इतिहास विच ईस्ट इंडिया कंपनी दे नाम नाल जाणदे हां। अज बिल्कुल ठीक सुनिआ तुसीं, किसी समय दुनिया दे एक वड्डे खित्ते ते राज करन वाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी दी मालिक रॉथचाइल्ड फैमिली ही सी ते इत्थे भारत विच काबज होना कंपनी लई यूरोप नालों काफी सौखा रहा। बस फुट पाओ ते राज करो। जिवें जिवें ए हिंदुस्तान दे राजयां नूं अपने अधीन करदे गए उन्हां दे लबालब भरे खजाने देख के गुरयां दीआं हैरानियां वधदीआं गईआं, खास करके जदों 1799 विच टीपू सुल्तान दी हार होई ते गोरियां ने उसदे खजानियां दे बूहे खोले ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਧਿਆ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੀਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ, ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸਤਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਬੱਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਲੇਸ ਔਨ ਵੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
क्योंकि ओ सी दुनिया का सब तो बहादुर बादशाह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी जिन्हां दे सामने दुनिया दे हर केंदे कमांडर जरनैल नु भी हथियार सुटने पए सन जिन्हां नु गोरे अनडिफीटेड कमांडर कहंदे सन क्योंकि ओ अज तक एक भी जंग नहीं सन हारे। ओ तो 1805 ओंदे ओंदे लगभग सारे भारत ते गोरियां दा कब्जा हो चुका सी, पर एक महाराजा रणजीत सिंह ही सी जो गोरियां नु लाहौर वाल झाकण भी नहीं दे रहा सी। सिर्फ पैसे पिछे सारी दुनिया विच दंगे फसाद कतलेआम ते जंगा करा देन वाली रॉथस्चाइल्ड फैमिली दे सामने हुण दुनिया दे सब तो वड्डे सोने चांदी ते हीरे मोतियां दे भंडार पए सन। इसे पिछे ही तो सत समुंदर पार करके आए सन, पर हुण उन्हां दी पेश नहीं जा रही सी ते ओह सतलुज दे कंडे ते आके अड़े बैठे सन। आपा हिसाब भी नहीं ला सकदे किन्नी बेसब्री होगी उन्हां दे मना विच। एह गल गोरे चंगी तरह जानदे सन कि जिन्ना चिर इस मुल्क दा राखा मर्द दलेर महाराजा रणजीत सिंह जिउंदा सी घटो घट उन्ना चिर तां उन्हां दी पेश नहीं सी जानी। ते सारी जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी दे सुइयां राही यूरोप विच बैठे रॉथस्चाइल्ड परिवार तक पहुंचाई गई। सो रॉथस्चाइल्ड परिवार नूं पंजाब दे कब्जे दा बस इक्को राह नजर आ रहा सी कि किसी तरह महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन दा अंत कीता जावे। इस तों बाद ही साडा पंजाब दे कब्जे दा कोई चारा लग पाऊगा। इस लई फिर उन्हां दे इशारे ते यूरोप दे चोटी दे सुइयां दी एक 15 मेंबरी टीम हिंदुस्तान भेजी गई जिन्हां पंजाब तों बाहर सतलुज दे परले पासे बैठ के जुगता बनाउणियां शुरू कीतियां। खालसा दरबार दे ते महाराजा रणजीत सिंह दे लागे तागे रहण वाले एक तरह नाल सोने दे बराबर तोल के यानी कि बड़े वड्डे वड्डे लालच दे के खरीदया गया। इन्हां ईमान वेचण वाले विच सब तों अग्गे सन खालसा दरबार दे वड्डे वड्डे औहदियां ते बैठे मंत्री डोगरे भरा। इस तों बाद महाराजा रणजीत सिंह दे उठण बैठण उन्हां दीआं आदतां उन्हां दे लाइफस्टाइल इन्हां सब ते लगभग 1.5 साल तक बारीकी नाल निगाह रखी गई। ते आखिरकार गोरियां नूं अपनी पहली चाल चलण दा मौका मिल गया जदों महाराजा रणजीत सिंह दा सब तो मनपसंद घोड़ा लैली एक बार बुरी तरह बीमार पै गया। दूर नेड़े दे मन्ने परमन्ने कई हकीमां ने मत्था मार के वेख लिया, पर लैली नूं कुछ खास फर्क ना पिया। उसी समय गोरियां दा भेजिया डॉक्टर हेनरी मार्टन दरबार विच आया। वो अपने पेशे विच परफेक्ट होण दे नाल नाल अत दर्जे दा छात्र ते चालबाज भी सी। ए डॉक्टर हेनरी मार्टन यूरोप दे मशहूर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन दा चेला सी जिसने होम्योपैथिक इलाज दी खोज कीती सी। ते मेन गल ए है कि इन्हां सब दे नाल नाल डॉक्टर सैमुअल हैनीमन रॉथस्चाइल्ड परिवार दा फैमिली डॉक्टर भी सी। इस डॉक्टर हेनरी मार्टन ने शुरुआत बीमार लैली ते होर शाही जानवरां तों कीती। बड़ी छेती तरक्की करदिआं ए शाही पशुआं तों शाही परिवार ते फिर महाराजा रणजीत सिंह दा निजी डॉक्टर बन गया। इस तों बाद खालसा दरबार विच हेनरी मार्टन दीआं दखलअंदाजीआं वधदीआं गईआं ते बहुत छेती इस नूं शाही तोपखाने दे इंचार्ज दी जिम्मेवारी भी मिल गई। दूजे पासे एक समझदार डॉक्टर मानदिआं होइआं महाराजा रणजीत सिंह दे खाण पीण ते देखरेख दी जिम्मेवारी भी हेनरी मार्टन नूं सौंप दित्ती गई। ए ओही मौका सी जिदी तलाश विच हेनरी मार्टन पंजाब आया सी। डोगरिया वालों दित्ते गए भरपूर साथ नाल हेनरी मार्टन ने महाराजा रणजीत सिंह दा खाना तैयार करने वाले रसोईये ते शाही सेवादार रुपईयां दे दम ते अपने पक्ष विच कर ले। इस तों बाद महाराजा रणजीत सिंह दे खान पीन विच मिलावट दी खेड शुरू कीती गई। कुछ विद्वानां दा अंदाजा है कि महाराजा रणजीत सिंह दे खाने विच मिठा जहर यानी कि स्लो पॉइजन मिलाया जांदा सी। कुछ कहंदे हन कि महाराजा रणजीत सिंह नूं शराब पीण दी आदत सी ते उन्हां दी शराब विच सुच्चे मोती पी के पाए जांदे सन। हौली हौली इस खुराक दा असर महाराजा रणजीत सिंह दे शरीर ते विखन लग पिया सी। जेड़ा सूरमा सारी दिहाड़ी जंगे मैदान विच तेग बोंदा नहीं सी थकदा हुण चार पलंगा तुर के ही उसका साफ फुलन लग पिया सी। महाराजा रणजीत सिंह उस समय कश्मीर दे दौरे तो वापस आउंदिया लाहौर तो मसा 1.5 दिन दे पंद ते सन जदों उन्हां नूं पहली बार दिल दा दौरा पिया। इस तों बाद महाराजा रणजीत सिंह नूं अधरंग ने जकड़ लिया ते ओह काफी समां बिस्तर ते पए रहे। हजे शरीर ने रिकवर करना शुरू ही कीता सी कि महाराजा नूं एक दौरा होर पै गया ते ठीक होण दी आसां ते उदों बिल्कुल पानी फिर गया जदों महाराजा नूं तीसरा दौरा पिया। हुण शेरे पंजाब दी तबीयत दिनों दिन बिगड़दी जा रही सी ते फिर छेती ही ओह दिन भी आ गया जदों खालसा राज दा ए सूरज हमेशा लई अस्त हो गया ते बस एक बार खालसा राज दा महाथंभ डिगण दी देर सी। इस तों बाद किस तरह डोगरे भरावां ने ईस्ट इंडिया कंपनी दे भेजे एजेंटां नाल रल के खालसा राज दी जड़ां नूं ढा लाई ओह बहुत ही ज्यादा दुखदाई इतिहास है। जेड़े महाराजे दे 40 साल दे राज विच कदी कोई दंगा फसाद नहीं सी होया। बलात्कार वर्गा संगीन जुर्म छड दईए तां कदी किसे जंगी कैदी नूं भी मौत दी सजा नहीं सी दित्ती गई। महाराजा रणजीत सिंह दे जाण मगरों उससे शाही दरबार विच शरेआम इक्को दिन विच कई कई कत्ल होए। इस तरह सत्ता दे नशे विच चूर डोगरिया ने महाराजा रणजीत सिंह दे पुत्र
ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਤੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿਰਫ 70,000 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।